किरण, आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 4 द वर्ब के अंदर स्टडी करेंगे। द वर्ब, वर्ब क्या होती है? क्रिया होती है। कोई भी एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड को वर्ब बोलते हैं। कोई भी काम करना उसको वर्ब कहते हैं, जैसे कि खाना, दौड़ना, चलना, आना जाना, घूमना, ठहरना, फिसलना, झूलना, ये सभी क्या है? डूइंग वर्ड है। स्लीप, कम, गो, ईट, ये सभी क्या है? डूइंग वर्ड है या फिर वर्ब भी कहते हैं इनको। तो पेज नंबर 14 पे आ जाइए आप सभी लोग। ए सेंटेंस है अपने पास, ए पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है इसमें। लुक एट द पिक्चर्स एंड देन रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आपको पिक्चर्स को देखना है और जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनको पढ़ना है। पेज नंबर 14 पे आ जाइए बच्चों। फर्स्ट सेंटेंस है, मीना वॉक्स इन द गार्डन। मीना गार्डन में घूम रही है, घूमती है। तो यहाँ पे वॉक्स है ना, ये क्या है? डूइंग वर्ड है। घूमना क्या है? डूइंग वर्ड, तो ये वर्ब है। सेकेंड सेंटेंस देखोगे आप, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पक्षी आसमान में उड़ते हैं। तो उड़ना क्या है यहाँ पर? फ्लाई करना क्या है? वर्ब है। थर्ड सेंटेंस देखोगे, माई सिस्टर प्लेज अ फ्लूट। मेरी बहन एक फ्लूट बजाती है या बांसुरी बजाती है। तो प्लेज यानी बजाना, ये क्या हो गया? वर्ब हो गई। फोर्थ सेंटेंस है, हर ग्रैंड मदर ड्रिंक्स बॉइल्ड वाटर। उसकी दादी माँ उबला हुआ पानी पीती है। तो पीना क्या हो गया? ड्रिंक्स यानी पीना होता है ना, तो वर्ब हो गई ये ड्रिंक्स। फिफ्थ सेंटेंस देखोगे, द मून शाइन्स इन द स्काई। चांद आसमान में चमकता है। शाइन्स यानी चमकना, तो शाइन्स यानी क्या हो गया? चमकना। ये क्या है? डूइंग वर्ड है, तो ये वर्ब हो गई है। अब आपको नीचे इनके बारे में डिस्क्राइब किया गया, बताया गया है। द वर्ड वॉक्स, फ्लाई, प्लेस, ड्रिंक, शाइन, शो, एक्शन। ये आपको एक्शन के बारे में बताते हैं। दे आर डूइंग वर्ड्स, ये सभी डूइंग वर्ड्स हैं। दे टेल व्हाट मीना बर्ड्स, माय सिस्टर, हर ग्रैंडमदर, द मून डू। ये सभी इनके बारे में बताते हैं कि मीना क्या कर रही है, बर्ड्स क्या कर रहे हैं, माय सिस्टर क्या कर रही है, उसकी ग्रैंडमदर क्या कर रही है, या फिर चांद क्या करता है। दे आर कॉल्ड वर्ब्स, इन सबको वर्ब कहते हैं या क्रिया भी बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में वर्ब और हिंदी में क्रिया बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है वर्ब की? द वर्ड विच टेल्स अस व्हाट अ पर्सन, कॉमा, एनिमल और थिंग डज इज कॉल्ड अ वर्ब। ऑल सेइंग और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। ये आपको डेफिनेशन भी अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करनी है, मार्क कर लीजिए इसको। वर्ब की डेफिनेशन आपको लिखनी है। और एक्सरसाइज अपनी इसमें स्टार्ट हो रही है। पिक आउट द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनमें से आपको वर्ब को छांटना है और आपको नीचे एक सेंटेंस ऑलरेडी कंप्लीट करके दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस देखोगे आप, मीना ड्रॉज नाइस पिक्चर्स। मीना ड्रॉज नाइस पिक्चर, मीना अच्छी पिक्चर्स ड्रॉ करती है या बनाती है। तो यहाँ पे ड्रॉज क्या हो गया? बनाना क्या हो गया? वर्ब हो गई। इस तरह से आपको इन सभी सेंटेंसेस में वर्ब को छाट के इधर लिखना है। वो मैं आपको बोर्ड पे लिखवा दूंगा सीरियल वाइज। जैसे सेकंड का जो मैं आपको बोर्ड पर लिखाऊंगा, आप सेकंड में जो स्पेस दिया हुआ है ना उसके आगे लिख लीजिएगा। इस तरह ही थर्ड में लिख लोगे, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, सभी में आपको वो वर्ड फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सेकंड से इस सेंटेंस में वर्ब आएगी ड्राइव्स। ड्राइव्स लिख लो अंडरलाइन के नीचे, अंडरलाइन तो ऑटोमेटिक है ही आपके।
अप्लाई नहीं करना आपको, ये वर्ड लिखना है ओनली। फर्स्ट सेंटेंस है माय आंट सुनीता लोई रोर्स इन द जंगल, शेर जंगल में दहाड़ता है तो रोर्स। ये डूइंग वर्ड है। फोर्थ सेंटेंस है आई स्विम इन द इवनिंग, में शाम को तैरता हूँ या तैरती हूँ, तो स्विम यानी क्या होना है तैरना, ये डूइंग वर्ड हो गया ना। तो आप लोग सब स्विम को लिख लीजिए। फिफ्थ है ही ईट्स हिज ब्रेकफास्ट क्विकली, वे उसका ब्रेकफास्ट जल्दी से खा लेता है। उसमें है ईट्स यानी खाना, खाना ये वाला खाना भोजन नहीं है, ये वाला खाना है खाना। सिक्स सेंटेंस है दे रिंग द स्कूल बेल, वे स्कूल बेल बजाते हैं तो रिंग। ये वर्ब हो गई। सेवेंथ है डॉग्स बार्क एट द नाइट, डॉग्स नाइट में बार्क करते हैं भौंकते हैं, तो बार्क को फ्लिंगर ब्रेक में लिख लीजिए। एट सेंटेंस है गर्ल स्विंग इन द पार्क, गर्ल पार्क में स्विंग करती है झूलती है, स्विंग करना यानी झूलना। स्पेस में आपको सही लिखना है एट के ब्लैंक स्पेस में। नाइन्थ सेंटेंस है आई हेल्प माय मदर, मैंने अपनी माँ की मदद की, आई हेल्प इसमें आएगा हेल्प यानी मदद करना, ये वर्ब हो गया ना हेल्प। द स्टार्स शाइन इन द स्काई, तारे आसमान में चमकते हैं तो शाइन इसमें जाएगा, डूइंग वर्ड या वर्ब क्या हो जाएगी शाइन। तो सभी बच्चे इस सेंटेंस में आप शाइन फील कर लीजिए जो आपको गिवन स्पेस दिया हुआ है उसमें। और ये अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे है बी, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम दोज इन द ब्रैकेट्स एंड अंडरलाइन इट। आपको जो हिंट दी गई है ना, जो ब्रैकेट के अंदर हिंट दी गई है, उस वर्ड को आपको चूज करना है, उसको अंडरलाइन करना है इस सेंटेंस में। जैसे कि पहला सेंटेंस है था बेल रिंग्स, तो आप लोग कर लोगे रिंग्स को अंडरलाइन। फर्स्ट सेंटेंस में आप कर लोगे रिंग्स को अंडरलाइन, ठीक है बच्चों। बेल क्या करती है, रिंग करती है, बजती है ना, इसलिए रिंग को अंडरलाइन करना है आपको। शिप्स एक्रॉस द ओशन, शिप सेल एक्रॉस द ओशियन, शिप्स क्या करती है समुद्र महासागर को क्रॉस करके, मतलब जो समुद्र होता है ना उसको क्रॉस करके चली जाती है आगे, पार कर जाती है। शिप्स सेल, तो इसमें आएगा सेल। बड़े बड़े महासागरों पर जब शिप जहाज चलती है ना तो उसको सेल वर्ड यूज आता है वहां पर, है ना। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, बर्ड्स क्या करते हैं घोंसला बनाते हैं, तो इसमें आएगा बिल्ड। थर्ड सेंटेंस में आपको जो हिंट दी गई है ब्रैकेट के अंदर, आपको बिल्ड के नीचे अंडरलाइन करना है। फोर्थ सेंटेंस है एरोप्लेन्स फ्लाई वेरी फास्ट, एरोप्लेन क्या करते हैं बहुत तेजी से उड़ते हैं, तो इसमें आएगा
फ्लाई, फ्लाई के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए सभी बच्चे। नेक्स्ट सेंटेंस है फिर द टीम विंस बाय 4 गोल्स, टीम जीत गई है 4 गोल के द्वारा, तो उसमें विंस आएगा, द टीम विंस बाय 4 गोल्स। सिक्स सेंटेंस है द कैमल कैन कैरी है हैवी लोड, जो ऊंट है ना बहुत ही हैवी लोड को ले जा सकता है, तो ले जाने को क्या बोलते हैं कैरी, तो आप कैरी के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। सेवन सेंटेंस है टॉम इज क्लाइंबिंग अ ट्री, टॉम क्या कर रहा है एक पेड़ चढ़ रहा है, तो क्लाइंबिंग के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए सभी बच्चे। एट सेंटेंस है द वुमन इज स्वीपिंग द फ्लोर विथ अ ब्रूम, औरत फ्लोर को ब्रूम के द्वारा साफ कर रही है, साफ करना होता है यानी स्वीपिंग करना, सफाई करना, तो स्वीपिंग के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। और नेक्स्ट है माय पेपर बोट इसमें आएगा स्विम डाउन द स्ट्रीम, नहर के नीचे बह रही है मेरी पेपर बोट, नहर के नीचे सॉरी फ्लोटेड आएगा, इसमें फ्लोटेड यानी ऊपर तैरना, तो इसमें आप फ्लोटेड लिख लीजिए माय पेपर बोट फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम, मेरी पेपर बोट स्ट्रीम पर तैर रही है। इस तरह से आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। लास्ट सेंटेंस है रिवर्स फ्लो इनटू द सी, रिवर्स समुद्र में बहती है, जो नदी है ना समुद्र में जाके मिल जाती है लास्ट में, तो इसलिए इसमें आएगा रिवर्स फ्लो इनटू द सी, रिवर्स समुद्र की तरफ बहती है। इस तरह से आपको बी क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेना है। और अपन आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे, मैं आपको आज का होमवर्क बता देता हूँ। आपको चाहिए।